नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वह है एस्कैरियोसिस या फिर गेंट राउंडवॉर्म या फिर हिंदी में गोल क्रिम जिसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एस्कैरियोसिस यह मुंह या शौच के रास्ते बाहर आता दिखाई देता है। इसे हम पेट की जोंक के नाम से भी जानते हैं। देखने में तो यह केंचुए के जैसे रहता है, लेकिन इसका रंग कुछ कुछ सफ़ेद और गुलाबी होता है। आइए अब जानते हैं एस्कैरियोसिस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। एस्कैरियोसिस जो कि गोल आकार का होता है तथा इसके दोनों तरफ सुंड आकार यानी कि सूंड के जैसा टेढ़ा होता है। नर की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक और पूंछ का हिस्सा थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, जबकि एक मादा की लंबाई 20 से 35 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि नर की अपेक्षा मादा लंबी और मोटी होती है। एस्कैरियोसिस का शरीर द्रव एलर्जी पैदा करता है, जिससे सांस फूलना, शरीर पर लाल चकत्ते आना ये लक्षण होते हैं। एस्कैरियोसिस के कारण होने वाले अंतर्वरोध में शल्य चिकित्सा की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि इसमें व्यस्क नर और मादा एक जगह पर इकट्ठे होकर एक गुच्छा सा बना देते हैं, जिससे आंत का रास्ता बंद हो जाता है। एस्कैरियोसिस के अंडे मलोत्सर्जन के साथ बाहर निकलकर मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर धूल के रास्ते हमारे भोजन और पानी को प्रदूषित करते हैं। यह प्रदूषित पानी हमारे भोजन के रास्ते अंतर मार्ग में प्रवेश करते हैं, जहां ये अंडे लार्वा में बदल जाते हैं। फिर ये लार्वा अपने जीवन चक्र फेफड़ों में पूरा करता है और दोबारा आंत में प्रवेश करते हैं। छोटी आंत में यह दोबारा व्यस्क नर और मादा का रूप प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। इसके लक्षण हैं खून की कमी, इजनोफीलिया, एलर्जी, सांस फूलना, एलर्जी के लक्षण आना, पेट में दर्द, अंतर्वरोध यानी कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। और इसके साथ ही हम आपको बताते हैं इसका निदान या फिर डायग्नोसिस कैसे किया जाए। मल परीक्षण में एस्कैरियोसिस के अंडे मिलते हैं। शौच और मुँह के रास्ते व्यस्क एस्कैरियोसिस बाहर आते दिखाई देते हैं। उपचार के लिए एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल की गोली चिकित्सक के बताए अनुसार ही दें। कभी कभी इसकी खुराक हो सकता है लंबे समय तक दोहरानी पड़े। इसके रोकथाम के लिए एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए, आइए बात करते हैं इसके बारे में। मल मूत्र के समक्ष निपटारे के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। हर मरीज का पूरा इलाज करवाएं ताकि वह संक्रमण को फैलाने ना पाए। व्यक्तिगत सफाई के बारे में जानकारी दें। साफ, स्वच्छ, ताज़ा भोजन करने की लोगों को सलाह दें। बाहर खुले में रखे भोजन के नुकसान के बारे में बताएं। खुले में शौच लोगों को जाने से रोकें। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अंतर्विरोधी की स्थिति में मरीज को शीघ्र अस्पताल ले जाएं। स्वयं इलाज करने की गलती कभी मत करें। और इसके साथ ही हमारा यह विषय समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।